नाराज है दर्शन की विधायक प्रत्याशी जी का। अरे माला का नहीं सुच हो रहे हैं। विधायक जी पहनाइए तो पहनाइए। वो बाद में पहनेंगे, वो बाद में होगा। मंच पे नहीं अभी मत दीजिए। उपस्थित नवादा के राष्ट्रीय जनता दल के सभी हमारे नेता, सभी हमारे विधायक प्रकाश वीर जी, कमरान साहब जी, सब दिख रहा है। शक्ति जी, राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट पार्टी द्वारा हम सबों के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा जी, सभी पंचायती के समिति के सदस्य गण, सरपंच जी, मुखिया जी, पंच जी, वार्ड सदस्य जी, सभी हमारे जिला परिषद के सदस्यगण, बहुत लंबा चौड़ा नाम लेना था लेकिन समय कम है। हम आ रहे हैं कटिहार से पूर्णिया, पूर्णिया से मधुबनी, मधुबनी से बेगूसराय और अब जाकर के हम रजौली पहुंचे। इसके बाद जाना है हमको बिहार शरीफ, उसके बाद भोजपुर आ रहा, फिर शाम में पटना। तो कार्यक्रम तो है ही है, आप जान रहे हैं आज तो 15 तारीख है, 4 तारीख को जो है चुनाव होने जा रहा है। इसमें जो वोटर होता है जनप्रतिनिधि होते हैं। हमारे पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने फैसला किया कि यहां से नवादा से श्रवण कुशवाहा जी को MLC का प्रत्याशी बनाया जाएगा। वाह। और हमें बड़ी खुशी है कि इनको प्रत्याशी बनाया गया है। जो राष्ट्र अध्यक्ष जी और पार्टी ने जो फैसला लिया है वो अंतिम निर्णय होता है। अब ये कोई अकेले श्रवण कुशवाहा जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये लालू जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी चुनाव लड़ रहा है, प्रकाश वीर भी चुनाव लड़ रहा है, विभा जी भी लड़ रही है, कमरान जी भी लड़ रही है, पूरा राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के चुनाव लड़ रहा है। तो एक पर एक आदमी चुनाव लड़ता है, पार्टी ना लड़ती है। और पार्टी का फैसला आज पार्टी है तब ना हम है, तब ना कमरान जी है, तब ना प्रकाश वीर जी है, तब ना श्रवण कुशवाहा जी को टिकट मिला। ये पार्टी नहीं रहती तो MLA MP मंत्री कोई बन पाता नहीं। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश रही है भाई, हम तो नवादा जनता, नवादा की जनता को दिल से हम धन्यवाद देने आए। और आप लोगों ने इतनी बड़ी ताकत हमको दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना प्यार दिया। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो राष्ट्रीय जनता दल ही, आपके वजह से है। और वो तो 4-5 सीट का खेलना हो गया था, रात के अंधेरे में 4 बजे के बाद काउंटिंग गिनती बंद कर दिया था। चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है। तो भाई हम अगर लोग बेमानी अगर 4-5 सीट का किया तो वही किया जहां हम कम वोट से जीत रहे थे, जहां फासला कम था, जहां हम 2000 से जीत रहे थे, 500 से जीत रहे थे, 1500 से जीत रहे थे, 1000 से जीत रहे थे, वहां इन लोग यानी मात्र 12000 का। अब हमारी कोशिश है, जैसा पूर्व में वक्ता प्रभारी शक्ति जी ने कहा कि एक बगान में तरह तरह का फूल खिलना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी होगा कि MLA का भी एक समाज को मिलेगा, MLC का भी एक समाज को मिलेगा और MP का भी एक समाज को मिलेगा। और हम लोग
अगर ये फासला 500,000 का 5-6-10% पर नहीं होता, 5,000 के ऊपर होता, तो किसी माई के लाल में दम नहीं था कि बेईमानी करके हमारी सरकार छीन ले। बेईमानी भी नहीं कर पाते अगर हमारे पार्टी के कुछ लोग पार्टी के फैसले को स्वीकार करते, तो आज गरीब का राज होता, गरीब का सरकार होता, और आपका भाई मुख्यमंत्री होता तो 10 लाख सरकारी नौकरी मिल गया होता। लेकिन कुछ लोग समझाने पे भी लोग नहीं समझते। आप सब लोगों को जानना चाहिए, अरे सब तो अपना है, लेकिन अगर कोई पार्टी से बगावत करेगा तो भाई कार्रवाई होगी। चाहे कोई कितना बड़ा भी नाम क्यों ना हो, अगर हमें पार्टी की जिम्मेवारी मिली है तो बताओ 15 साल से कहने जीता है, कहने हम लोग सरकार बना लिए, कोनो एक दो लोग को साथ लेके चलिएगा तब जाकर के सरकार बनता है, नहीं सबका साथ मिलेगा तब जाकर के हम सरकार बनाएंगे। पहले मिलता था 20%, 22% बेरोजगारी के नाम पे लोगों ने, हर जात के लोगों ने, हर धर्म के लोगों ने, सब नौजवान ने गोलबंद होकर के वोट दिया, तब ने जाकर के हमको मिला 1,56,00,000 वोट। और बताओ हम लोगों ने सम्मान ही नहीं दिया, आज तक पार्टी ने कुछ किया ही नहीं किसी के लिए, कहां है सब लोग। सबके मन में इच्छा होती है, फल्ला जी के मन में, चिल्ला जी के मन में, हमारा मन में, इनकरा मन में एगो टिकट हो, 5 लोग के हई पसंद आई, 5 लोग के हई पसंद आई, एकरा के मिली तो हाउ नाराज हो जाए, एकरा के मिली तो हाउ नाराज हो जाए, और माने से मान नहीं मिल रहा, ऐसे काम होता है क्या अधरे में? हाँ, आज ये परिस्थिति है जब आपके नेता के साथ ना इंसाफी हो रही है, जेल में बार बार बंद कर दे रहा है लालू जी को, राजबल्लभ जी को फंसा करके, तो आज आपस ही लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं बड़ा लड़ाई। और हम देख लीजिए, कोई कहता है ना कि 24 सीट पे चुनाव हो, ये 24 सीट पे चुनाव ना हो, ये पूरा बिहार के चुनाव हो, वोटर बताओ एक वार्ड का हर वार्ड सदस्य है कि नहीं, वोटर मुखिया जी है कि नहीं, हर पंचायत का, यानी हर पंचायत का वोटर लोग है, यानी हर बिहार का एक ब्लॉक छुटाओ, एक पंचायत छुटाओ, एक वार्ड छुटाओ तो बता दीजिए। अगर हम इस चुनाव में जीतते हैं तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आने वाले समय में हम सरकार बना करके दिखाने का काम। और अभी हाल तो आप देख ही रहे हैं, हाल क्या है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष को रेड़े तू तू कर रहे हैं, अध्यक्ष जी जा ही नहीं रहे हैं असेंबली, बीजेपी का मंत्री जदयू को बोल रहा है, जदयू का उनको बोल रहा है, मांझी जी का जितन राम मांझी जी उनको बोल रहे हैं, मुकेश सहनी कुछ और कह रहा है, आपस में लोग लड़ा है। जहां यहां हम लोगों को गोलबंद होना चाहिए, हर एक पार्टी के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, तो कुछ लोग को बड़ी हड़बड़ी है, उम्र क्या है, आगे भविष्य पड़ा हुआ था, किसी का आदमी छीन के दे दिया क्या, लोकसभा का चुनाव होगा तो कैसे हम लोग जीते। आज कमरा जी दूसरा पार्टी में था, पिछले चुनाव में लेके आज जीते कि नहीं जीते भाई, और आज जिम्मेदारी से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप जोड़िएगा किसको, जो घर वाले बैठा उसी को जोड़िएगा, कि जो विरोध करता है उसको जोड़िएगा, तब ना आगे बढ़ेगा। बढ़ता कैसे है, पार्टी कैसे बढ़ेगा, मतलब जो वोट आपको देता नहीं उसके कैंडिडेट उसके यहां नहीं जाएगा वोट मांगने, तो हम मान लीजिए ये कहीं और थे, अभी सही जगह आए हैं, तो हम सम्मानित किए। जिंदाबाद।
सरकार मिलकर के ना बनाएंगे भाई, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कुछ लोग हैं नाराज हो जाते हैं, उड़ूस जाते हैं, फूस जाते हैं। अब ऐसे काम चलने वाला है क्या? यहाँ लड़ाई लड़ रहे हम लोग इतना बड़ा, ना नीतीश कुमार जी को जवाब दे लेना पड़ रहा है विधानसभा में, हमको देखते तो भाग जाते हैं, नीचे करके बैठे रहते हैं। इनका मंत्री लोग झूठ बोलता है तो हम नाक रगड़वाते हैं हाउस में। पहले होता था, अब पार्टी सही काम कर रही है, सही निर्णय ले रही है तो कुछ लोगों को, अरे हर किसी को थोड़ी ना। हमारा तो संस्कार है ना, हम लोग तो बड़े लोग हैं, बड़ा हमारा अधिकार है हम लोगों के समाज का। हम लोगों का फर्ज बनता है कि थाली में, अगर हमारे थाली में 10 रोटी है तो सब में बांटो, भूखे को भी खिलाओ, सब ना जुड़ेगा नहीं, या सब कुछ सबको चाहिए, एक एक को सबको चाहिए, ऐसे नहीं होने वाला। आज लड़ाई लड़ना है, मजबूती के साथ लड़ना है। अब माफ कीजिएगा, जो दौर चला है ना तानाशाही का दौर, चाहे बिहार सरकार का या भारत सरकार का, आपके नेता लड़ रहे हैं आपके लिए, क्या हो रहा है उनके साथ? सही है। आज हम लोग अगर मजबूत नहीं हो और पार्टी नहीं लड़ेगी ना, तो सोचिए हम लोगों का क्या हास्य होगा, क्या हास्य करेगा अगर पार्टी खत्म हो जाएगी तो। आज छोटा छोटा चीज से, छोटा चीज लोग कहता है कि हम जाके सर्टिफिकेट आएंगे पार्टी में दे देंगे। सब आया था लोग कहने हमको, पिछला बिहार विधानसभा में ऐसा लोग बहुत था, कहीं कहीं से लड़ गया सब, बोलता था हम सर्टिफिकेट आएंगे आपको देंगे, सबका जमानत जब्त हो। और आज पार्टी में आने के लिए लोग बोल रहे हैं, आज वही गलती उन लोग किए, आज ये कर रहा है। आज आपकी सरकार होती 12,000 का मात्र अंतर था, इसलिए हमें पूरा विश्वास है जनप्रतिनिधि लोग सब लोग सोच समझ करके। अब हम ए टू जेड की बात करते हैं, जगह देते हैं, तो भैया देना ना पड़ेगा सबको, एमपी वाला भी है, हम लोगों ने हमेशा मान सम्मान दिया पेश सर। अब यहां तो जो विधायिका है नवादा की, उनका पूरा समर्थन मिला, इनको उन्होंने लड्डू खिलाया, हर जगह ही आशीर्वाद लेकर के आए। लेकिन कोई घर का बच्चा है तो अब नाराज हो जाता है लोग, समझ रहे हैं। लेकिन अब वो लड़ने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम समझाएं नहीं समझा, लेकिन अब पार्टी के हित में जो फैसला करना पड़ेगा हम करेंगे आराम से भैया। और सब लोग समर्थन में है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है।